नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है और मैं कैयापुर मगौरा करारी कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। मैं पिछले 3 साल से एक बीमारी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से मेरी हार्ट की लेयर में एक मोटी परत जम गई थी। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर मुजाहिद सर से मिला। इंसान के मामले में बात करूँ तो वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, आपका टॉप फैसिलिटी देने में एक भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। यहाँ आने के बाद मैं मिला डॉक्टर मुजाहिद सर से, और यहाँ मेरे जो डॉक्टर थे मिस्टर गौरंग मजूमदार, उन्होंने मेरी सर्जरी की। सर्जरी के दौरान मेरे को कई सारी दिक्कतें भी हुई। मैं 8 दिन ICU में था, आज ही डिस्चार्ज होके आया हूँ, जो कि नॉर्मल रूम पे शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ की फैसिलिटी है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। मुजाहिद सर और गौरंग मजूमदार सर मेरे को बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसकी वजह से आज मैं अपनी सर्जरी करा के बस ठीक होने की कगार पे हूँ। ICU स्टाफ अंकिता, मिस प्रियंका, मिस्टर सचिन, मिस्टर अजेश, इन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की। साथ ही साथ मनोज सर और विशाल सर ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। वो लोग पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, ज़्यादातर बात करने की कोशिश करते थे कि हाँ उसका मन लगा रहे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, साथ में ये भी ना हो कि उसे कोई परेशानी समझ में आए। इसके अलावा साथ में यहाँ के जो नॉर्मल रूम हैं, उसके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो नॉर्मल रूम के स्टाफ इतने अच्छे हैं कि एक ही कॉल बटन में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। मैं गौरंग मजूमदार सर, साथ में मुजाहिद सर, लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज मेरा जीवन फिर से एक अच्छे स्तर पर शुरू होने जा रहा है। धन्यवाद। हेलो, ए 26 ईयर्स मेल केम टू अस कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर डिस्निया एंड ऑब्जर्शन, दैट इज सांस फूलने वाली तकलीफ है, और एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड पेडल स्वेलिंग, मतलब पेट में सूजन और पैर में सूजन है। तो इनको लोकल फिजिशियन ने देखा, उनको डायग्नोसिस हुआ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी है हमारा देश में, जो कि किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, पेट को, छाती को, हृदय को, ब्रेन को, हड्डी को, ये सारी सिस्टम में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो इनका, ये बच्चे का डायग्नोसिस हुआ था एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब आंत की ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए उनका जांच वगैरह चल रहा था। बट इनको सांस फूलने का शुरुआत हुआ है, तो ये जांच वगैरह करके दिखाया गया जी, इनका हृदय का जो झिल्ली है उसमें ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट आया। उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मतलब हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, वो हृदय को एक्सपेंशन करने में हेल्प करते और प्रोडक्शन करते हैं। अभी इस बीमारी से ये झिल्ली काफ़ी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, उसका स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो दिल जो फीलिंग होना चाहिए, भरना चाहिए खून से, वो भर नहीं पाते हैं। तो जो भर नहीं पाते वो पंप में ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मतलब पेरिकार्डियम हृदय को दबा के रख दिया है। तो इसके वजह से बहुत सारी तकलीफें होती है, हृदय ठीक से काम नहीं कर पाते, तो हाथ पैर में सूजन आती है, कभी कभी जान का खतरा भी हो जाती है। तो ये ठीक टाइम में डायग्नोसिस होना चाहिए। अभी इस पेशेंट में प्रॉब्लम ये था, इनका आंत का भी ट्यूबरकुलोसिस था और हृदय का झिल्ली की ट्यूबरकुलोसिस थे, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग थे, काफ़ी सिक थे जब हमारे पास आए थे ये। हम लोगों ने डायग्नोसिस वगैरह इनको किया, फिर इनका ऑपरेशन का डिसीजन लिया। ऑपरेशन में यही होती है, हृदय को जो झिल्ली है उसको साफ करके, पूरा हृदय को साफ करके झिल्ली को निकालना होती है। अभी ऑपरेशन ये कॉमन चीज़ होती है, कॉमन ऑपरेशन होती है, ठीक टाइम में करते हैं तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होती है। बट इनमें चैलेंजिंग ये था, क्योंकि इनका आंत का भी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। हम लोगों ने जब ऑपरेशन में लेके गए, इनका दोनों फेफड़ों में 2-2 लीटर फ्लूइड भरा पड़ा हुआ था, पेट के अंदर 5 लीटर फ्लूइड पड़ा हुआ था, और जब ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी तकलीफ दिया है उन्होंने ICU में, क्योंकि पेट के जो पानी है, इसको SITs बोलते हैं, हर रोज़ 5 से 6 लीटर ड्रेन हो रहा था। तो धीरे धीरे इनको न्यूट्रिशनली दवा ये सब चीज़ से मैनेज किया है, और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुआ है। तो इस बीमारी में ध्यान ये रखना है, ये ऑपरेशन तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बट ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होती है काफ़ी टाइम, ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि अचानक जब हृदय का झिल्ली को हम निकाल देते हैं तो हार्ट डिकम्पेंसेशन फेस में चला जाता है, हार्ट फेलियर में चला जाते हैं। उस टाइम में इनको हृदय का जो दोनों पंप है, राइट पंप और लेफ्ट पंप, उनको सपोर्ट देना होती है। अभी इनमें हृदय के साथ साथ में इनका पेट का भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि
पेट में काफ़ी पानी भर रहा था। तो ये एक चैलेंजिंग केस था हम लोग के लिए, बट वी आर हैप्पी दैट वी कुड डिस्चार्ज हिम इन ए गुड हेल्दी कंडीशन। तो इस बीमारी को मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जल्दी डायग्नोसिस चाहिए और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ठीक से होना चाहिए, तो आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है।